पूरे बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ है। हमें पूरा विश्वास है, हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है, 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ ग्राउंड पर। ऐसी स्थिति नहीं है, हम भी अपनी सारी रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, दोपहर तक सारी रिपोर्ट हमारे पास भी आ जाएगी। और ऐसी स्थिति नहीं है, आप देखिए, अगर वोट परसेंटेज को देखिए, भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ, मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। तो अभी बाकी जगह क्या पैटर्न है, सारा हम निकाल रहे हैं और हमारा इंटरनल जो सर्वे है वो भी हो रहा है, दोपहर तक आ जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे। एग्जिट पोल सही साबित होंगे, उन्होंने कहा 65 के आसपास। अब देखिए, अब ये दावे और वो अभी कोई ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ये सारी बात होगी 8 तारीख को। 8 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब बात होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी नाम की चीज कहीं नहीं है, और ना वो थी चुनाव के दौरान, ना उनकी कहीं पर मौजूदगी पता लगी है कहीं पर। अब वो ठीक है, जो बिल्कुल जमानत जब्त वाला उम्मीदवार होता है वो भी कहता है मैं 1 नंबर पर आऊंगा, ये तो चुनाव का सिद्धांत है। भाजपा को पड़ेगा नुकसान होगा इस चुनाव में हरियाणा? मेरा ख्याल नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का बूथ वाइज हमने देखा था, और वो बूथ जहां पर 100% किसान ही रहते हैं वहां से भी हम जीते थे। किसानों के मुद्दे हैं, लोकतंत्र में मुद्दे होते हैं, उठाए भी जाते हैं, उनका असर भी होता है, परंतु कितना होता है इसका आकलन करना होता है, तो मेरा ख्याल इतना नहीं होगा। जो लगातार विकास आपके कार्यकाल में आप लोगों के बीच में उसको लेकर गए, लगता है उन विकास पर मुहर लगी है आज? बिल्कुल, 110% लोगों ने जो हमारे कामों को सराहा है, कामों के ऊपर उन्होंने फिर से मुहर लगाई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरी बार पंचकूला में भाजपा का कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। जी बिल्कुल, पिछली बार जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनके साथ आपकी जीत का जो मार्जिन है करीब 5,000 वोट का रहा था, ये मार्जिन इस बार बढ़ेगा या क्या आपका आकलन है, अंदाजा है? पिछले मार्जिन से मुझे उम्मीद है कि 3 गुना मार्जिन जो है वो अब की बार आए। आज हरियाणा की 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न हुए हैं और पूरे प्रदेश में जो वोटिंग हुई है उसको लेकर एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता में आती नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आ रही है, उम्मीद की जाती है, आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए, अभी एग्जिट पोल है, और एग्जिट पोल कितने सच होते हैं, कितने ठीक बैठते हैं, ये बहुत कम समय में देखने को मिलता है। देखिए, पिछले एग्जिट पोल जो पिछले चुनाव के अंदर लोकसभा के चुनाव, वो भी बहुत सारे गलत साबित हुए थे, और एग्जिट पोल मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी की कोई सरकार बनती नजर आ रही है। 110% भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर है।